ऑल राइट, तो हमारे पास आपके सामने अभी आ जाएगा, आपकी स्क्रीन पे आ गया। अच्छा, ये सेकंड केस स्टडी है, नवंबर 2022 की, पेपर 2 है और इसका वेरिएंट 1 है। अच्छा, मूव वेल MW। अच्छा, ये चूंकि पुराना पैटर्न है तो थोड़ा सा हम इसमें चेंज लेकर आएंगे। वैसे मैंने आपको फरवरी मार्च 2023 का जो पेपर अभी आया है, पहला पेपर जो नए पैटर्न पे आया है, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है, मार्क्स स्क्रीन भी शेयर कर दी है, यू कैन हैव अ लुक। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स फरवरी मार्च का पेपर अटेम्प्ट मैंने क्यों नहीं किया, सोच रहा था पहले मैं, क्योंकि अब वो सवाल तो नहीं आने ना आपको ऑफ कोर्स, तो लेकिन वो देखना तो है ना कि वो सवाल किस नेचर के हैं, कैसे आ रहे हैं, वो जरूर देखें। लेकिन ऑफ कोर्स वो सेम टॉपिक तो देने से रहे अब मई जून में, तो इसलिए हम बाकी पेपर देख रहे हैं। अच्छा जी, तो मूव वेल MW में लेट मी रीड इट जल्दी जल्दी से, ताकि फिर हम उसके क्वेश्चन देख सकें और अगर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो जरूर करें। अच्छा, MW इज अ बिजनेस दैट ऑर्गेनाइजेस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल्स पोजेशंस व्हेन दे मूव फ्रॉम वन हाउस और अपार्टमेंट टू अनदर। अच्छा जी, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है। ऑल राइट, वन ऑफ MW's, एक मिनट, वन ऑफ MW's कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स इज टू अचीव इंटरनल ग्रोथ, ये आपको पता है इसके बारे में। MW हैज एक्सपेंडेड रैपिडली फ्रॉम अ लोकल बिजनेस टू अ नेशनल बिजनेस। ऑल राइट, इट नाउ हैज लोकेशंस इन मेनी मेजर सिटीज इन कंट्री क्यू। ओके, लोकल सक्सेस वॉज बिल्ट ऑन कस्टमर रिकमेंडेशंस। इसका मतलब है कि मेनली इनकी जो प्रमोशन होती है उसमें कस्टमर रिकमेंडेशन का बहुत बड़ा हाथ है, और जिसे हम वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं। और उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि ये एक सर्विस बिजनेस है, और आपको पता है सर्विस बिजनेस में ऑफ कोर्स यू नीड टू हायर अ कंपनी जो कि ट्रस्ट वर्दी भी हो ना, क्योंकि आपके घर के अंदर जाना है, सामान को शिफ्ट लोड करना है, अनलोड करना है, शिफ्टिंग करनी है, तो यू रिक्वायर। दूसरी बात, यू माइट हैव मेनी एक्सपेंसिव आइटम्स इन योर हाउस एज वेल, तो उसमें ये भी यू हैव टू मेक इट श्योर कि वो टूट ना जाए, खराब ना हो जाए, तो यू रिक्वायर समवन हु कैन डू इट विद परफेक्शन। अच्छा, तो ये मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया। अच्छा, नेशनल सक्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ केयरफुली टारगेटेड एडवर्टाइजिंग एंड इफेक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। अच्छा, ये टारगेटेड एडवर्टाइजिंग का मतलब ये है कि आपने ये देखना है कि हु आर योर पोटेंशियल कस्टमर्स, और उसके बाद आप जो है वो एडवर्टाइजिंग की तरफ जाते हैं। एडवर्टाइजिंग ऑफ कोर्स अबव द लाइन प्रमोशन होती है, लेकिन टारगेटेड मतलब यू हैव इन माइंड हु वुड बी और हु आर द पोटेंशियल कस्टमर्स, और फिर आप उस हिसाब से मीडियम चूज करते हैं कि कौन सा मीडियम चूज करना है जो कि डायरेक्टली एड्रेस करे उन लोगों को जो कि ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज चाहते हैं। अच्छा, और सोशल मीडिया ऑफ कोर्स वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तीन चीजें आ गई, कस्टमर रिकमेंडेशन, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग एंड अफेक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। तो ये आप जहन में रखें, क्योंकि आगे कोई सवाल इससे लिंक जरूर होगा। अच्छा, द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस हैज पुट प्रेशर ऑन MW's कैश फ्लो। अच्छा, इनको इशू आ गया ग्रोथ, क्योंकि एक आप गौर करें ऊपर वाले पैराग्राफ में एक बात लिखी हुई है कि इन्होंने तेजी से ग्रो किया है, और वो कहाँ लिखा हुआ है ये देखिए, MW हैज एक्सपेंडेड रैपिडली, ठीक है, क्विक ग्रोथ है जिसके, तो इट माइट रिजल्ट इन टू ओवर एक्सपेंशन एज वेल। आपने याद रखना, एक टर्म इस्तेमाल करते हैं और बिजनेस की टर्म्स आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, पर्टिकुलरली जब आप कोई पॉइंट हाईलाइट कर रहे हो ना एज एन एडवांटेज और एज अ डिसएडवांटेज, तो आप वो मेंशन करते हुए किसी बिजनेस कॉन्सेप्ट को जरूर मेंशन करें, इट विल हेल्प यू टू अगेन मार्क फॉर द नॉलेज इजीली। अच्छा, तो ये बेसिकली जो बता रहे हैं ये कुछ ओवर एक्सपेंशन का प्रॉब्लम लग रहा है कि उन्होंने लिखा है ओवर एक्सपेंशन, ठीक है, और उस वजह से यही प्रॉब्लम आता है क्या, कैश फ्लो का। तो वो हमें तीसरे पैराग्राफ की पहली लाइन में नजर आ गया कि कैश फ्लो पे प्रेशर पड़ रहा है। अच्छा, MW रिसीव्स पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स 1 वीक आफ्टर द हाउस मूव इज कंप्लीटेड, यानी कि
हाउस मूव करने के बाद एक हफ्ते के बाद उनको पेमेंट मिलती है। इसका मतलब है उनका जो कैश इनफ्लो है वो डिलेड है, ठीक है। अच्छा, विच इज ऑन एवरेज 1 month आफ्टर द हाउस मूव हैज बुक्ड, वॉज बुक्ड, सॉरी। क्या जी? हाँ जी, विच इज ऑन एवरेज 1 month आफ्टर द हाउस मूव वॉज बुक्ड, यानी कि 1 महीना पहले हाउस मूव को बुक किया जाता है कि जी हमने सामान शिफ्ट करना है तो वी आर मूविंग टू अनदर हाउस। 1 महीना पहले बुक करते हैं और पेमेंट मिलती है जब मूव करने के भी 1 हफ्ते बाद, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब 1 महीना 1 हफ्ता ये टाइम है आपका कैश इनफ्लो के आने का। अच्छा, MW कॉस्ट इंक्लूड रेंट, व्हीकल मेंटेनेंस, फ्यूल, लोकल टैक्सेस, वेजेस एंड एडवर्टाइजिंग, ये उनकी कॉस्ट भी दे दी। और ये क्यों दी है? क्योंकि अगर आपको कैश फ्लो का इश्यू आ रहा है तो आपको क्या देखना होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो, वो कितनी अमाउंट है, उनकी टाइमिंग्स क्या है। बेसिकली टाइमिंग्स का ज्यादा इशू होता है कि इनफ्लो आ रहा है लेकिन डिलेड है, और आउटफ्लो जो है वो जल्दी आ रहा है, तो उस वजह से भी कैश फ्लो पे प्रेशर पड़ता है या कैश फ्लो प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, तो उन्होंने एक्सपेंसेस दे दिए हैं कि रेंट है। अब देखो, गौर करो, रेंट एक ऐसी कॉस्ट है जो पे करनी ही करनी है, मतलब इसी तरह व्हीकल मेंटेनेंस ये भी आपको करना होता है ऑफ एंड ऑन, फ्यूल चले ये तो हाउस मूव करने के साथ फ्यूल आता है, लोकल टैक्सेस ये भी आपको देने ही देने हैं, इसी तरह वेजेस को ले लो ये भी आपको देनी है, वर्कर्स हायर किए हुए हैं आप उनसे काम करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं पैसे तो देने हैं, एडवर्टाइजिंग ये भी आप कर रहे हैं तो ये भी आपकी, यानी कि इसमें ओवरहेड कॉस्ट काफी नजर आ रही है, रेंट है, व्हीकल मेंटेनेंस है, फिर लोकल टैक्सेस आप ले लो, वेजेस भी हो सकती है, एडवर्टाइजिंग है, तो काफी ओवरहेड कॉस्ट है, यानी कि आप हाउस मूव करें या ना करें आपको ये पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब आउटफ्लो तो चल रहा है, इनफ्लो लेट आ रहा है, तो ये रीजन हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, फॉलोइंग सम सक्सेसफुल ईयर्स देयर हैज बीन अ लार्ज डिक्लाइन इन MW सेल्स। अच्छा, डिक्लाइन हो गई सेल्स सक्सेसफुल रहने के बाद, दिस इज ड्यू मेनली टू फ्यूअर पीपल मूविंग होम इन कंट्री क्यू, इसलिए हुआ कि डिमांड कम हो गई, अब कम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं एक घर से दूसरे घर की तरफ, और ये कंट्री क्यू में ऐसे हो रहा है और ये कंट्री क्यू में ऑपरेट करते हैं, ठीक है, डिमांड कम हो गई। अच्छा, ईच सिटी लोकेशन मेड अ लॉस लास्ट ईयर, यानी कि उस शहर में जितनी भी लोकेशन थी ना MW की, उन सब में लॉस हुआ है। जारी बताया, जब कंट्री क्यू में ओवरऑल डिमांड कम हो गई है तो सारे पॉइंट्स पे जो उनके पॉइंट ऑफ सेल थे या लोकेशन थी उन पे लॉस होगा, तो हुआ। अच्छा, द मैनेजिंग डायरेक्टर जॉन हैज नोटिस दैट द हाउसिंग मार्केट इज ग्रोइंग इन सम अदर कंट्रीज। अच्छा, ये उसको पता चला कि हाउसिंग मार्केट, अब नए घर जहां बनेंगे तो वहां शिफ्टिंग तो होगी, लोग किराए के घर से परमानेंट घर में जा रहे हैं या घर बना रहे हैं, या घरों की डिमांड ज्यादा है तो वहां पर ये हाउस मूव करने की डिमांड ज्यादा होगी। अच्छा, तो ही थिंक्स देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ न्यू लोकेशन इन कंट्री पी, यानी कि वो ये कह रहा है कि कंट्री पी में भी हमें जाना चाहिए, ठीक है। अब टेबल 2.1 शोज द फोरकास्ट कॉस्ट एंड रेवेन्यू फॉर द न्यू लोकेशन इन कंट्री पी, अब वो दिखा रहे हैं, तो फोरकास्ट जो टेबल 2.1 दिखा रहा है, फोरकास्ट रेवेन्यू कॉस्ट एंड रेवेन्यू फॉर द न्यू लोकेशन इन कंट्री पी इन ईयर वन, वो हमें नजर आ रहा है, रेवेन्यू $110,000 है, डायरेक्ट कॉस्ट $50,000 है, इनडायरेक्ट कॉस्ट $20,000 है। अभी हमने इसका कुछ नहीं करना, इस पे ऑफ कोर्स कोई कैलकुलेशन का क्वेश्चन होगा हम उसको फिर देखेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। एफी एफी द ऑपरेशंस मैनेजर वुड प्रेफर टू अचीव कॉस्ट सेविंग्स रादर देन एक्सपैंड इनटू अनदर कंट्री। ऑपरेशन मैनेजर क्या कह रहा है, यानी कि जिसका ये जो जिनका मेन काम होता है हाउस मूव करना, ऑपरेशन ऑपरेशन क्या होगा इस कंट्री में, सॉरी इस कंपनी में या बिजनेस में, ऑफ कोर्स हाउस मूव करना ही मेन जॉब है बिजनेस की और उसी को ऑपरेशन बोलेंगे। तो वो उसकी उसका फोकस है कि कॉस्ट को कम किया जाए, ना कि किसी और कंट्री में मूव किया जाए, क्योंकि किसी और कंट्री में अगर मूव करेंगे तो ऑफ कोर्स इनिशियल कॉस्ट तो ज्यादा ही होगी एटलीस्ट एट द स्टार्ट। अच्छा, शी थिंक्स अ लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड ड्यू टू अनकोऑर्डिनेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स व्हिच आर नॉट केप्ट अप टू डेट, यानी कि
इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ना वो अप टू द मार्क नहीं है, ठीक है, पुराना है, अच्छा नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और उन्होंने बता दिया कि वो अप टू डेट भी नहीं है। तो आपको इन्फॉर्मेशन जो मिलती है स्कैटर्ड होती है, कोऑर्डिनेटेड नहीं होती। ऑफ कोर्स बिजनेस में आपको सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तो वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है ना वो हेल्प आउट नहीं कर रहा उनको, बेसिकली वो आउट ऑफ डेट हो गया। ओके, अब एमडब्ल्यू करंटली कीप्स इट्स कस्टमर रिकॉर्ड्स ऑन पेपर, यानी कि पेपर पे वो नॉर्मली कस्टमर के रिकॉर्ड रखते हैं, किसने पेमेंट कर दी, किसने नहीं की, नहीं की। इट ऑल्सो हैज थ्री सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, अच्छा थ्री कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम भी है सेपरेटली। टेबल 2.2 शोज डिटेल्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, वो क्या है जरा देख लेते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम जो ए है उसका प्रोसेस है ट्रैक्स व्हीकल्स यूज्ड ऑन ईच होम मूव, अच्छा कि कितने कितनी व्हीकल्स इस्तेमाल हो रही है। फिर कंप्यूटर सिस्टम बी है रिकॉर्ड्स एम्प्लॉय पे एंड अदर एचआर डेटा, ठीक है एम्प्लॉयज कितने हैं और उनको कितनी पे देनी पड़ रही है। फिर कंप्यूटर सिस्टम सी प्रोड्यूसेस अकाउंट्स एंड अदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, अच्छा और अकाउंट्स को मेंटेन करना, ऑफ कोर्स उसमें आपको ये देखना है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, कॉस्ट कितनी है, ये देखते हैं। और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि इंफॉर्मेशन को स्प्रेड आउट करना टू द होल बिजनेस और टू द कंसर्न डिपार्टमेंट और टू द कंसर्न एम्प्लॉयज, ये काम होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, ठीक है, जो मैनेजमेंट का काम है कि इंफॉर्मेशन का आगे स्प्रेड आउट करना। अच्छा अब हम आ जाते हैं सवालों के ऊपर, तो सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल जो हमें नजर आ रहा है वो है ए पार्ट वन डिफाइन द टर्म कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, आपने देखा ही होगा कि अब ऐसे सवाल नहीं आता, अब डिफाइन नहीं आएगा, ठीक है, और नंबर भी अब दो नहीं होंगे, अब नंबर हो गया है एक, ठीक है आपको पता है। और यहां आ सकता है इसकी जगह पर कि आइडेंटिफाई वन कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, जैसे मैं आइडेंटिफाई वन कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि वो आपको कह दें आइडेंटिफाई वन एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इस तरह से कोई भी पूछ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जब आइडेंटिफाई का वर्ड आ गया जैसे मैंने पहले बताया है, तो इट डज नॉट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट, इवन आपको एक लाइन भी शायद लिखने की जरूरत नहीं है, आप वो एक वर्ड लिख देंगे अगर तो वो भी काफी होगा यहाँ पर। और यहाँ एक ही नंबर है और वो नंबर नॉलेज का ही है ऑफ कोर्स, तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव यहाँ बता देंगे। तो क्या ऑब्जेक्टिव होगा अगर मैं कहूँ, क्या बताएं जी, कोई कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव बताएं, आप में से कोई बता दे मुझे। फातिमा, रीज, मुआज, कोई कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव तो बताओ, नहीं बताना, अच्छा चलें तो जी से मैनेजिंग कैश फ्लो प्रॉब्लम्स या फिर नहीं। इंक्रीजिंग प्रॉफिट वगैरह। हाँ जी ये वही ना, प्रॉफिट ग्रोथ सर्वाइवल एडेड वैल्यू, ये सारे के सारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये सारे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव हैं। सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब आपने जो चैप्टर 4 है वो इसी के बारे में है मेरे नोट्स में जो है, तो वो आप बता सकते हैं। अच्छा एक आइडेंटिफाई वन ऑब्जेक्टिव ऑफ वन एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है आपको इसकी जगह पर, तो उसमें आपको बताना पड़ सकता है क्या कि इट गिव्स क्लियर डायरेक्शन टू द मैनेजमेंट एज हाउ टू यूज रिसोर्सेज, बात खत्म, लंबी बात तो करनी नहीं आपने, ठीक है। इट्स या इट स्ट्रीमलाइंस ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बस खत्म, लंबी कहानी नहीं बतानी क्योंकि आइडेंटिफाई का वर्ड है, एडवांटेज बता दिया क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्शन देता है। अच्छा आगे चलते हैं, एक्सप्लेन द टर्म इंटरनल ग्रोथ, अच्छा ये एक अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल इसलिए कि पेपर 2 में ये स्लाइटली डिफरेंट होता है P1 से, कहने को इसमें 3 नंबर है और आपको पता है कि इसमें आपको एक नंबर नॉलेज का मिलेगा लेकिन लेवल 1 पे ही मिल जाएगा और आपको 2 नंबर एप्लीकेशन के मिलेंगे लेकिन आपको लेवल 2 पे जाना पड़ेगा। अब इसके दो तरीके हैं, मैंने पहले भी बताया था, एक तरीका ये कि ऑफ कोर्स आप इंटरनल ग्रोथ को डिफाइन तो करोगे, तो इंटरनल ग्रोथ को डिफाइन जब आप करोगे तो आपको 1 नंबर नॉलेज का मिलेगा और वो डेफिनेशन लेवल 1 ही मानी जाती है, तो इसमें चाहिए ही लेवल 1 होता है, तो आपको 1 नंबर मिल गया नॉलेज का।
अच्छा, अब आप जब इंटरनल ग्रोथ का कोई फायदा बताओगे और उसको डेवलप करोगे ना, तो ये उसको एप्लीकेशन मान लेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक टर्म ही है, और ठीक है टर्म ही है, तो आप अगर टर्म से रिलेटेड कोई बात कर रहे हो, कोई डेवलपमेंट कर रहे हो किसी एडवांटेज की या डिसएडवांटेज की, तो एग्जामिनर कैन कंसिडर दैट एज एन एप्लीकेशन, और अगर वो डेवलपमेंट हो रही है तो वो डेवलप्ड एप्लीकेशन बन जाएगी। अच्छा, एक और तरीका है जो ज्यादा आसान है, और वो क्या कि आप इंटरनल ग्रोथ को लिंक कर दें केस के साथ, जो ज्यादा आसान होता है क्योंकि केस स्टडी तो दी होती है। तो आप इंटरनल ग्रोथ का एक एडवांटेज बता दो केस से। तो केस में अगर कोई एडवांटेज की हम बात करें तो क्या हो सकता है, अगर आप गौर करो, एक तो ये है कि इंटरनल ग्रोथ जो है उसमें, यहाँ पे वैसे मैंने एक डिसएडवांटेज तो बनाया हुआ है ना, जो पैराग्राफ नंबर 2 है उसकी जो लाइन नंबर 1 है एंड से, जहां एमडब्ल्यू लिखा है, लिखा है एमडब्ल्यू हैज एक्सपेंडेड रैपिडली फ्रॉम लोकल बिजनेस टू अ नेशनल बिजनेस। इसका मतलब है कि क्विक एक्सपेंशन इज पॉसिबल। मैंने क्या किया कि मैं ना पॉइंट यहीं से लूंगा केस से। अच्छा, अब यह है कि आपको मैंने एक और बात बतानी थी कि आप 3 नंबर के क्वेश्चन में ये कोशिश किया करें कि डेफिनेशन ना दें, क्योंकि डेफिनेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पर। वजह क्या है, क्योंकि जब आप एक पॉइंट मेंशन करेंगे, सॉरी यहाँ तो आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि उन्होंने टर्म पूछी है इंटरनल ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने डेफिनेशन दे दी और ऊपर आप, मैंने आपको एक एडवांटेज की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ क्या, ये जो मैंने आपको बताया पैराग्राफ नंबर 2 लाइन नंबर 1 में, कि यहां मैं कह सकता हूं कि जो इंटरनल ग्रोथ है इट हैज हेल्प एमडब्ल्यू टू एक्सपेंड क्विकली। अब मैंने एडवांटेज बताना है ना, अच्छा आप चाहें तो डिसएडवांटेज बता दें, कोई बात नहीं, जैसे मैं दोनों की बात कर लेता हूँ। अगर आपने एडवांटेज बताना है तो मैं वो देखो कैसे बना रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ एक्सपेंडेड क्विकली के इंटरनल ग्रोथ में फ्रॉम, अब वो किस तरह, क्योंकि इंटरनल ग्रोथ में यू कीप ऑन ओपनिंग न्यू ब्रांचेस इफ यू हैव सफिशियंट अमाउंट ऑफ फाइनेंस। ये जरूरत है इसकी, मतलब अगर फाइनेंस नहीं है तो प्रॉब्लम है, वो डिसएडवांटेज बन जाएगा। इफ अ बिजनेस हैज सफिशियंट अमाउंट ऑफ फाइनेंस दे कैन ओपन अप मोर ब्रांचेस एंड इट विल बी इजियर टू रन सच एक्सपेंडेड बिजनेस बिकॉज द नेचर ऑफ द बिजनेस इज सेम, यू कैन हायर एम्प्लॉइज ऑफ द सेम नेचर ऑफ द सेम स्किल, यू आर ऑलरेडी एक्सपर्ट इन डीलिंग इन सच काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, तो इट बिकम इजियर फॉर बिजनेसेस टू डू इट इफ दे हैव सफिशियंट अमाउंट ऑफ फाइनेंस अवेलेबल एंड दैट हैज हेल्प्ड एमडब्ल्यू टू एक्सपैंड क्विकली फ्रॉम लोकल बिजनेस टू नेशनल बिजनेस एंड एज अ रिजल्ट दैट हैज इंक्रीज द रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस एज वेल एंड वन ऑफ द एंड बिकॉज ऑफ दैट, मैं आपको बता रहा हूँ कि डेवलपमेंट कैसे होती है, बिकॉज ऑफ दैट वन ऑफ द प्रमोशनल मेथड ऑफ द बिजनेस इज कस्टमर रिकमेंडेशन, यानी कि इमेज की वजह से क्या हुआ कि आप कस्टमर खुद ही रिकमेंड कर रहे हैं, और इमेज क्यों अच्छा हुआ, क्योंकि आप एक्सपैंड करके एक छोटे बिजनेस से बड़े बिजनेस में आ गए, और बड़ा बिजनेस कैसे बना वो आप जल्दी एक्सपैंड कर पाए इंटरनल ग्रोथ की वजह से, क्योंकि एमडब्ल्यू के पास फाइनेंस होगा, लिखा नहीं हुआ लेकिन हम कह रहे हैं। तो इस तरह से हम ये पॉइंट आसानी से, ये अब क्या किया, केस की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया और उसको मैंने चेन ऑफ आर्गुमेंट में यूज किया, तो लेवल 2 एप्लीकेशन आ गया। अच्छा, ये नहीं करना तो जरूरी नहीं, आप ये बताएं, आप बता दें कि इंटरनल ग्रोथ जो है ना वो एट टाइम्स क्रिएट्स हैजर्ड्स फॉर अ बिजनेस और क्रिएट्स डिफिकल्टी फॉर अ बिजनेस टू मैनेज इट एज इट हैपेंड इन केस ऑफ एमडब्ल्यू दैट दे एक्सपेंडेड क्विकली दैट लेट देम टू कैश फ्लो प्रॉब्लम और नियर टू कैश फ्लो प्रॉब्लम, जो पैराग्राफ नंबर 3 में लाइन नंबर 1 में लिखा, ठीक है। और आप इसको अब डेवलप कर सकते हैं कि एंड कैश फ्लो प्रॉब्लम एक्चुअली पोजेज अ सीरियस थ्रेट इवन टू अ सक्सेसफुल बिजनेस टू स्टॉप ऑपरेटिंग, यानी कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो भी कैश फ्लो प्रॉब्लम आने से क्लोज डाउन हो सकता है, उसकी एक्टिविटीज जो है ना दे विल बी पुट टू अ हॉल्ट। तो ये आप इसको भी डेवलप करके पॉइंट लेकर ना, तो ये है क्या कर रहे हैं, लेवल 2 एप्लीकेशन के केस की इंफॉर्मेशन को लेकर
डेवलपमेंट में इस्तेमाल करना। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इसको कैसे करना है। क्यों फातिमा, समझ आ गई ना इसकी? यस सर, और बाकी भी कुछ बोल दे अगर, अरीज एंड मुआज जी सर, समझ आ गई है। आ गई है, तो ये कह रहा हूँ, ये जेन में रखना आपने। आप चाहें तो आप बेशक ये वाला क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके मुझे भेज भी सकते हैं, मैं चेक कर सकता हूँ। एनीवे ये दो हो गए, तो मुझे अब देखते हैं, अब एग्जाम तो करीब आ रहा है, लेकिन अगर आप में से कोई चाह रहा है कि वो इन दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाह रहा है अपने तौर से, तो वो कर सकता है। ठीक है, कौन करना चाहेगा इसको, मुझे वो भेज देगा तो मैं इसको चेक करके रिप्लाई भी दे दूंगा। वो करना चाह रहा है इसको? नहीं, चलिए सर कोई, मैं कर लूंगा। चलिए ओके। तो आपने खाली करना नहीं है माल, आपने फिर इसको मुझे भेजना भी है। आपका नाम माल MAA है क्या, ओ ए? सही MOAZ है। अच्छा आगे चलते हैं। रेफर टू टेबल 2.1, कैलकुलेट द फोरकास्ट मार्जिन फॉर ईयर वन। तो जरा फोरकास्ट प्रॉफिट मार्जिन, तो आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि जो प्रॉफिट मार्जिन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। हम नीचे लिख लेते हैं, यहाँ यही लिख लेते, ये थी हमारे पास प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू इन 200। ठीक है जी, उन्होंने क्या कैलकुलेट करें, प्रॉफिट मार्जिन, फोरकास्ट प्रॉफिट मार्जिन फॉर ईयर वन। तो हम ऊपर जाते हैं, उसने कहा है रेफर टू टेबल 2.1, तो वहां पहुंच जाते हैं। कहा है जी टेबल 2.1, ये रहा। अब इसमें हमें रेवेन्यू दिया हुआ है जी, बिल्कुल दिया हुआ है। अच्छा, अब डायरेक्ट कॉस्ट भी है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी। आपको पता है रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करें तो प्रॉफिट आ जाता है। अच्छा, अब ये आपने याद रखना है कि कॉस्ट बहुत सी होती हैं, लेकिन हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो एक बात याद रखनी है कि डायरेक्ट कॉस्ट जो है ना, वो एट टाइम वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। इसी तरह जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है इसको फिक्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं। समटाइम्स इसको ओवरहेड भी बोला जाता है। मैंने कहा ताकि आपको पता हो ना, और अगर रेवेन्यू में से ये सारी कॉस्ट माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आता। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट कब आएगा, अगर आप रेवेन्यू में से सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करोगे तो आपके पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन में तो उन्होंने पूछा है प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट मार्जिन। तो अगर वो ये भी तो पूछ सकते हैं ना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो फिर आपको सारी कॉस्ट माइनस नहीं करनी, सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करनी। और डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें नॉर्मली कॉस्ट ऑफ सेल्स जरूर होती है। यानी कि एक जो बहुत ही कॉमन सी कॉस्ट है इसके अंदर, वो होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो जो बात कर आपको इसी नाम से नजर आएगी। ठीक है, अच्छा बारह। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, आपको रेवेन्यू में से ये दोनों कॉस्ट को माइनस करना है, जो आंसर आएगा आपका नीचे वो आपका होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता हूं आप कैलकुलेट करें। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा, तो ये आंसर नहीं आया आपका, ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। पुराने वक्तों में इसको नेट प्रॉफिट भी बोलते थे, अब नया नाम प्रॉफिट फॉर द ईयर है। अच्छा, जब ये प्रॉफिट आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को हम इस्तेमाल करेंगे यहां पर। ठीक है जी, किसमें, इस क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूले में फिट करके। तो प्रॉफिट हमने निकाल लिया, रेवेन्यू दिया हुआ है, तो आंसर निकालना बहुत आसान है। अच्छा, 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये बता दूं, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आप खाली आंसर लिखते सर, हैं, जो जो आपने माइनस करना है, अगर हमने मतलब प्रॉफिट निकालना है, तो हमने वो दोनों कॉस्ट माइनस करेंगे जो आपने ऊपर लिखी, जो उधर ऊपर लिखी हुई है मतलब। जी, दोनों जो कॉस्ट लिखी हुई है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि अगर वो यहाँ सवाल में पूछ लेते
कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालें, तो फिर आपको सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करनी थी, इनडायरेक्ट नहीं करनी थी। फॉलो कर रहे हो बात को? अच्छा जी दूसरी बात, सर, अच्छा एक बात और, अब आप कहें सर हम इसको कैलकुलेट करें, मतलब दिखाएं पहले कि रेवेन्यू में से डायरेक्ट कॉस्ट माइनस की तो ग्रॉस प्रॉफिट आया, फिर उसमें से इनडायरेक्ट कॉस्ट माइनस की तो प्रॉफिट आया। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप खाली आंसर लिख देते हैं एंड योर आंसर इज करेक्ट, यू विल गेट 3 out of 3 स्ट्रेट अवे। अच्छा लेकिन मैं कहता हूं कि स्टेप्स करें उसकी, अगर आपको श्योर शॉट है तो आंसर लिखें, जान छुड़ाएं, टाइम बचाएं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो फिर बेहतर है स्टेप्स कर दें, फार्मूला लिख दें, ठीक है? क्योंकि उससे ये होगा कि अगर मैं आपको बताऊं, आप खाली फार्मूला ही लिख देते हैं और आपको आंसर नहीं आता, आपको समझ नहीं आ रही कैसे लिखना है। क्या खाली फार्मूला लिख रहे हो एंड योर फार्मूला इज करेक्ट, आपको एक नंबर मिल जाएगा। इसी तरह आपने स्टेप्स किए हैं लेकिन आपकी कहीं गलती हो गई और आंसर आपका गलत आ गया, तो स्टिल यू कैन गेट अप टू 2 marks out of 3, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन अगर आपने स्टेप्स नहीं किए हुए और आपका आंसर गलत लिखा निकला है जो आपने लिखा है, तो आपको फिर 0 ही मिलेगा, फिर नंबर कोई नहीं मिलना। ये एक एडवांटेज है जो स्टेप्स करने से मिल जाता है। तो अगर आपको नहीं भी आता ना क्वेश्चन, तो फॉर्मूला जरूर लिख दें, कम से कम नंबर तो एक मिलेगा, और बाद बात एक नंबर से ही ग्रेड ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा दूसरा पार्ट देखते हैं, एक्सप्लेन वन मेथड MW कुड यूज टू इम्प्रूव इट्स कैश फ्लो। ये सवाल आ गया कि कैश फ्लो को कैसे बेहतर किया जाए, और इसमें वही काम है कि एक नंबर इसमें भी नॉलेज का है और वो लेवल 1 का मिलेगा, और 2 नंबर इसमें एप्लीकेशन के हैं जो लेवल 2 पे आपको जाना पड़ेगा। अच्छा अब ये आसान है और इसमें आपको डेफिनेशन कोई नहीं देनी, क्योंकि 3 नंबर है। एक मेथड को मेंशन करें और आपने क्या करना है, आप एप्लीकेशन के लिए किस की इंफॉर्मेशन को आपने इस्तेमाल करना है कि क्या किया जाए। जैसे मैं आपको एक हिंट देता हूं, अगर आपने कैश फ्लो को इंप्रूव करना है तो देर आर बेसिकली 2 वे जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक है कि रिड्यूस कैश इनफ्लो, रिड्यूस कैश आउटफ्लो, ठीक है? और दूसरा तरीका है हमारे पास इंक्रीज कैश इनफ्लो। आप इन दोनों में से कोई भी मेथड मेंशन कर सकते हो, यानी कि अगर आपने मेंशन किया एज मेथड, ठीक है, आप लिखा वन ऑफ द मेथड दैट MW कुड यूज टू इंप्रूव इट्स कैश फ्लो इज बाय इंप्रूविंग कैश इनफ्लो, ठीक है, या बाय रिड्यूसिंग कैश आउटफ्लो, ये आपका नॉलेज कंसिडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसमें एक बिजनेस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके एक मेथड हाईलाइट किया है, और वो बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है, इनफ्लो वाला या आउटफ्लो वाला, और केस में कहीं नहीं लिखा हुआ, ये याद रखना है। अगर वो केस में भी लिखा हो तो वो आपका पॉइंट नहीं बनेगा नॉलेज का, वो तो एप्लीकेशन बन गई क्योंकि केस की इंफॉर्मेशन है। तो इनफ्लो आउटफ्लो का सर, अगर अगर हम इसमें एक्सप्लेन वन मेथड ऑफ इसमें अगर हम नॉलेज देना चाहें तो हम कैश फ्लो को लेके कैश फ्लो के बारे में मतलब नॉलेज दे सकते हैं जिससे हमें 1 मार्क्स मिल जाएंगे। जी मार्क्स बिल्कुल दे सकते हैं। आप अगर कैश फ्लो को डिस्क्राइब कर देते हो, डिफाइन कर देते हो, तो यू कैन स्टिल गेट 1 मार्क। लेकिन उसमें मेरा पॉइंट यही है कि आपने डेफिनेशन डेफिनेशन दे के चलो लेवल 1 नॉलेज हासिल कर लिया, उसके बाद मेथड भी तो मेंशन करोगे ना, तो फिर उसका तो नंबर, मेथड तो मेंशन करना ही करना है। तो जब आपको एक मेथड मेंशन करने से लेवल 1 नॉलेज मिल रहा है तो वाई टू डिफाइन इट, बस ये कह रहा हूँ। टाइम लग जाएगा लेकिन अगर है टाइम तो जरूर कर दो, टू बी ऑन द सेफ साइड, मुझे इतराज नहीं है। लेकिन हमने टाइम के हिसाब से चलना है ना, आपके पास 45 मिनट्स होते हैं एक केस स्टडी को करने के लिए, पेपर 2 में 2 केस स्टडीज होती है, तो इसको ध्यान में रखना है। अच्छा अब आपने ना 1 मेथड आपने लिख दिया, वो इनफ्लो बढ़ा दें या आउटफ्लो कम कर दें, और केस में कहीं नहीं लिखा हुआ, इनफ्लो और आउटफ्लो की बात नहीं हुई भी, कैश फ्लो की जरूर हुई है। तो ये एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है विच यू हैव मेंशनड फ्रॉम द सिलेबस, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉलेज। दोबारा बता रहा हूँ, When you are mentioning a method, you are mentioning a point as an advantage or a disadvantage. So, do mention a business concept inside it to show knowledge from the syllabus. तो वो आपको आसानी से नंबर लेवल 1 का मिल जाता है। ये पर्टिकुलरली 8 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 नंबर में तो नॉलेज के नंबर 2 होते हैं और लेवल 1 पे ही मिल जाते हैं। अच्छा लेकिन ये है लेवल 1 नॉलेज ही, मेंशन करना पॉइंट को या डिफाइन करना किसी बिजनेस कॉन्सेप्ट को, ये लेवल 1 नॉलेज है, लेवल 2 पे नहीं है, लेवल 2 चाहिए भी नहीं यहाँ पर। अच्छा अब आप इनफ्लो अब आउटफ्लो की बात की, मैं ऊपर जाता हूँ तो ऊपर आप गौर करो,
आपके पास उन्होंने जहां कहा कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ रही है, जरा उसको देख लेते हैं। हमने अभी देखा ना इसको, ये आ रही थी, ये ओवर एक्सपेंशन है ना हमारे पास, तो इसको मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूँ। किधर गया, आपको आ रहा है नजर, जी सर, नजर आ रहा है, नजर आ रहा कहाँ पे है? कैश है। क्या चीज आप ढूंढ रहे हैं? कैश फ्लो, फ्लो। कैश फ्लो का जो इशू, उनको प्रेशर पड़ रहा है कैश फ्लो का। हमने पढ़ा था ना, ये जो आपका पैराग्राफ नंबर 3 है, और सॉरी पैराग्राफ नंबर 3 लाइन नंबर 1, तो ये देख लो, प्रेशर ऑन ये, ठीक है। अच्छा, अब उसमें और कंसर्न बातें क्या क्या लिखी हुई है जरा गौर करो। ये कंसर्न बातें, ये सारी की सारी आपकी कैश फ्लो से रिलेटेड है। अब अगर आपने ये कहना है कि इनफ्लो, अगर आपका पॉइंट है कि इनफ्लो बढ़ाएंगे तो दूर हो जाएगी, तो आप इनफ्लो वाली बात करोगे। और वो कहाँ पर है? वो ये जो कह रहे हैं कि कस्टमर जो है वो 1 हफ्ता लेते हैं पेमेंट करने में, ठीक है, जब उनका हाउस मूव कर देते हैं। तो आप क्या करें, इसका मतलब है आपने, आप क्रेडिट पे सर्विसेज दे रहे हैं ना, आपने काम कर दिया और कहा पेमेंट बाद में, इसको बोलते हैं क्रेडिट सेल्स, ठीक है। कि काम कर दिया, पेमेंट कस्टमर बाद में दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर दें और शुरू कर दें कैश सेल्स, ठीक है, ये काम कर सकते हैं। या उनका जो 1 वीक का टाइम आपको नजर आ रहा है, उस 1 वीक के टाइम को कम कर देंगे, इसको कम करके आप कहें जी आपने 2 डेज में देना है। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे, तो दोनों सूरतों में क्या होगा, आप कैश पे सेल्स करेंगे या उनका टाइम पीरियड जो पेमेंट का है वो कम कर देंगे, तो आपका कैश इनफ्लो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आसान है, ठीक है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा दूसरा ये कि आप आउटफ्लो अगर कम करना चाह रहे हैं, तो आप ये देखें कि आप अगर रेंट पे करते हैं, ठीक है, फर्ज किया, तो आप कोई ऐसी बिल्डिंग लें जहां पर रेंट जो है वो कम हो, आप ये काम कर सकते हैं। या वेजेस अगर आपने कम, यहाँ पर आप चले जाएं लो रेंट एरिया, यानी कि अपनी लोकेशन वहां पर ले लें। उन्होंने कहा ना कि ये इनकी काफी सारी लोकेशन हैं, तो लो रेंट एरिया में चले जाएं तो आउटफ्लो आपका कम हो जाएगा। हो सकता है वेजेस जो है यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप रिड्यूस्ड रिड्यूस कर दें, रिड्यूस वर्कफोर्स या लेबर, ये भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है, कि आपने केस की इंफॉर्मेशन को ही इस्तेमाल करके पॉइंट को डेवलप करना है और लेवल 2 एप्लीकेशन पे जाना। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और मैं वापस चलूं तो कौन बच्चा है जो बी पार्ट 1 और पार्ट 2 करना चाहेगा, आप कोई और बताए? अरे आप करोगी, आपने बिल्कुल आप आंसर सर, करोगे। मेरे मेरे अलावा तो शायद कोई स्टूडेंट नहीं है। अच्छा, आपके रास्ता भागे हैं? जी अच्छा, सर, ओके, ऑल राइट, तो ठीक है फिर अहमाल, आपने अगर करना हुआ तो आप ये भी कर सकते हो, आपका ही फायदा है। करना हुआ, नहीं करना तो आपकी मर्जी है, समझा तो मैंने दिया आपको। अच्छा, आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास आ जाता है जी, एनालाइज 2 बेनिफिट्स टू MW ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्रोसेस इनोवेशन टू अपडेट इट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हमने पढ़ा था कि इनका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो आउट ऑफ डेट हो गया हुआ है, और वो हमने कहाँ पढ़ा है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए ना। किधर है जी, कहाँ पे नजर आ रहा है हमें, हमने पढ़ा है ना ये, तो मैंने तो फिर सारी लाइन लगा दी थी सिर्फ इसलिए कि पढ़ने के लिए, वरना हमें सिर्फ वहां पे लाइन लगानी है जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ताकि इट विल बी इजियर फॉर अस टू रेफर टू इट लेटर। तो अब मैं अगर देखूं तो इसमें नीचे है शायद, नहीं यहाँ पे, जी यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये आ रहा है हमारे पास नीचे कि ये जो है ना नॉट अप टू डेट, जो सिस्टम है इंफॉर्मेशन सिस्टम वो अप टू डेट नहीं है। अच्छा, तो इसी को इस्तेमाल करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि आपको प्रोसेस इनोवेशन करनी है, यानी कि नया सिस्टम लेकर आना है, अपडेट करना है, ठीक है, या रिप्लेस करना है पुराने इंफॉर्मेशन सिस्टम को, तो आपने इसके 2 बेनिफिट्स बता देने हैं। बहुत आसान है, ऑपरेशन का जो सेक्शन है हमारा, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है प्रोसेस इनोवेशन के फायदे, कोई से 2 फायदे,
आपको इस्तेमाल करने हैं। लेकिन क्या यहाँ पर प्रोसेस इनोवेशन के फायदे लिखे हुए हैं, हमें कोई नजर आ रहे हैं यहाँ पर? फायदे नहीं लिखे हुए, सिर्फ ड्रॉबैक्स लिखे हुए हैं। हाँ जी, तो इसका मतलब है कि हम फायदे अपने पास से बताएंगे और बाद में लिंक करेंगे बिजनेस के साथ, वो चाहे हम उनके फ्लॉज को कम कैसे किया जाए ये बता सकते हैं। जैसे भी है, पॉइंट अपने पास से लिखेंगे क्योंकि वो नॉलेज शो करेगा और हम उनको डेवलप करेंगे। और आपको पता है कि इसके अंदर किस तरह से मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपके पास 2 नंबर नॉलेज के हैं, लेकिन वो आपको मिल जाएंगे लेवल 1 पे ही, और इसी तरह आपको 2 नंबर एप्लीकेशन के